राजनीति का अखाड़ा बन चुकी प्रतापगढ़ नगर परिषद में फिर से रामकन्या गुर्जर सभापति पद पर काबिज हुई है। आज इन्होंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और सभी मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। वहीं यहाँ पर सभापति के प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर ने बताया कि हम जनता का विकास करने के लिए भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए थे और अब हम पुनः भाजपा में जा रहे हैं। फिलहाल इस पर यह तय नहीं हुआ है कि किस तरह से इनका भाजपा में वापस प्रवेश होगा, पर इसको लेकर बताया जा रहा है कि भाजपा में इनकी घर वापसी तय है और ये विकास के मुद्दे पर पुनः भाजपा में आकर और सभापति के पद पर काबिज हुए हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से प्रतापगढ़ शहर का विकास पटरी पर आएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात इन विगत दो सालों में बने हैं उसमें प्रतापगढ़ शहर के विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ और लोग जनता परेशान है। वहीं सभापति के बदला बदली के खेल के चलते जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सभापति के पद पर एक महीने बाद पुनः रामकन्या गुर्जर के काबिज होने के बाद में क्या कुछ नगर पालिका में काम होता है और किस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बिठा के और इस प्रतापगढ़ नगर परिषद में काम किया जाएगा या वही ढर्रा बाकी के तीन साल और जहां तक सरकार चेंज नहीं होगी वहीं तक चलता रहेगा। पिछली बार जब आपने कांग्रेस का दामन थामा था, सब शहर के गांधी चौराहे पर जो सभा की गई थी उसमें आपने कहा था कि अब मैं कभी भी पार्टी चेंज नहीं करूंगा और शहर के विकास के लिए मैं कांग्रेस में आया हूं, तो क्या कुछ रहा और ऐसे क्या कारण रहे जिनके चलते आपको पुनः भाजपा का दामन थामना पड़ा है और अभी इस बात की पुष्टि किस तरह से होगी कि आपको भाजपा ने पार्टी में ले लिया है? जब मैंने बोला था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं तो कांग्रेस में ही रहूंगा। क्यों बोला था? मैंने इसलिए बोला था कि कांग्रेस काम नहीं करने देती, इसलिए मैं कांग्रेस शामिल हुआ था। उसके बाद भी मैंने कितना कूट पिया, मेरी जन्म जात मतलब बीजेपी को छोड़ के मैं कांग्रेस ज्वाइन की, किसके लिए की? जनता के लिए की, क्योंकि जनता के विकास का काम होगा। पर मुझे गुमराह करके कांग्रेस ज्वाइन कराई, उसके बाद भी काम नहीं करने दिया और हमेशा दबाव में ही रखा। कोई अधिकारी सभापति की बात नहीं मानते, सभापति की बात मानते अधिकारी उसको धमकी देते हैं कि आपको एपीओ कर दिया जाएगा, तो कोई अधिकारी हमारी बात भी नहीं मानते। पूरा सिस्टम नगर परिषद का विधायक महोदय के इशारे पर चलता है, विधायक महोदय जो कहते हैं वही होता है, उनके अलावा कुछ नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं आज बहुत खुश महसूस हूँ, जो आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में सभापति महोदय को सस्पेंड कराया। सस्पेंड करने का कारण क्यों है? अगर मैं सभापति महोदय और हम चारों जनों ने कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो उनको हमारा साथ देना था, उनको कहना था आप खुली छूट है आपको, आप विकास के काम करो, पर हमें कभी भी कोई खुली छूट नहीं दी, ना कभी कोई विकास का काम करने दिया। और 6 महीने 7 महीने 8 महीने उनके साथ रहा, मैंने इतने घूट पिए हैं, जहर के घूट पिए हैं, फिर भी अगर वो चाहते तो हमें सस्पेंड नहीं करते। सस्पेंड का आधार क्या बनाया उन्होंने? सब फर्जी। जब न्यायालय ने उनको खारिज कर दिया है, अब ये सिर्फ दबाव की राजनीति करते कि आपको सस्पेंड करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे। मैं कांग्रेस ज्वाइन की सस्पेंड करने के लिए ज्वाइन नहीं करी थी सभापति महोदय ने, हमने ज्वाइन करी थी जनता का विकास करने के लिए। अब शहर के विकास के लिए आगे क्या रणनीति है? शहर के विकास के लिए सभापति महोदय और हम चारों जने 24 घंटे तैनात है, बस इसमें राजनीति और राजनीति नेता लोग रोड़ाना अटकावे, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, ये हमें नहीं काम करने देंगे। कोई बात नहीं, मत करने दो, जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि नगर परिषद का जनता ने जिता के भेज दिया है सभापति महोदय को, तो यहाँ का ऑर्डर ही सभापति तय करेगा कि क्या काम करना क्या नहीं करना, तो कोई बाहर नगर परिषद बाहर वाला नहीं करेगा। जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए उस बारे में क्या कहना है? कौन से आरोप लगाए? जो भी इसमें इस पूरे मामले को लेकर के निजी सहायक वाला है, उसके अलावा अतिक्रमण वाला है। निजी सहायक किसको बोलते हैं? कोई निजी सहायक को बनाना कोई गलत बात है क्या? है किससे पैसे लिए क्या? कोई गलत काम किया क्या? है निजी सहायक तो निजी सहायक किसको बनाते? कोई तंगा उठे क्या? निजी सहायक किसको लिए बनाते? यार अपना कोई साथी नहीं है तो उसको साथी बनाए क्या? मेरी काम में ध्यान रखे, उसको बोलते हैं निजी सहायक। जैसे प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव आएगा तो ये काम करने में कोई दिक्कतें पैदा होगी, ऐसे में आप क्या किस तरह से तैयार है? मैं ना तो दबाव में ना पहले रहा ना अब रहूंगा। अधिकारी नहीं बात मानेंगे सभापति की मुद्दे के तो सभापति मुद्दे लेटर लिखेंगे, DLB आके शिकायत करेंगे, उनको जहां भी शिकायत करनी हो हर जगह शिकायत करेंगे। मुझे विश्वास है पूरा, जब भी शिकायत करूंगा उसके बाद 3 महीने बाद रिजल्ट जरूर आएगा।
अभी जैसे विद्युत विभाग का आपका लंबा जोड़ा बिल बाकी था और उसके बाद क्या कि बार बार लाइट काटी जा रही थी, ऐसे में अब वो मुद्दों को वापस कैसे पटरी पे लाओगे? शहर में जिस तरह से लाइट बंद हुई थी और लोगों को परेशान होना पड़ा था और अन्य जैसे सफेद की जो गाड़ियाँ चलती है उसमें भी आए दिन परेशानी आती, कभी डंपिंग यार्ड के आसपास के लोग मतलब कहते हैं कि वो हमारी ज़मीन है उधर डालने में, ऐसे में समाधान कैसे होंगे? समाधान हम पूरी कोशिश करेंगे, बस राजनेता टांग ना अड़ाए, क्योंकि नगर परिषद में टांग अड़ाएंगे तो जनता देख रही, जनता उनको सबक सिखाएगी चुनाव में, उनको ये देखना है, उनको जनता ने वोट दिया है, काहे के लिए वोट दिया? नगर परिषद सभापति बनने के वोट नहीं दिया उनको, नगर परिषद सभापति बनने का मौका राम कन्या गुजर को दिया है, उनको नहीं दिया है, इसलिए सभापति का काम तो उनको करने दो, आपका काम विधायक का है, विधायक काम करो, नगर परिषद में इंटरमेंट करो, नहीं तो जनता जब बटन दबाती ना फैसला उसी टाइम हो जाता है, ये ध्यान रख ले। जाके इस चीज को हमारी जन्मजात पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मैं विकास के लिए गया था कांग्रेस में पर विकास तो मिला नहीं, वहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कोई मिला ही नहीं। रही बात बीजेपी की, जिस पार्टी ने मुझे निकाला ही नहीं तो वो कैसे मुझे ना बोलेंगे? भाजपा ने आपको नहीं निकाला पर आपने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी, कब ली? आप बताओ आपके पास कौन सा लेटर है क्या कांग्रेस का ज्वाइन करी? जो लेटर है वो फर्जी लेटर है, उसमें साइन ही नहीं सभापति के, फर्जी साइन है उसमें। आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हुए थे? आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हुए? हमें बंदूक की नोक पे लगे हो कि हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। अब एक एक चार करोड़ का लेन देन का मामला आया था जिसके जिसके एवज में आपने इस दबाव को स्वीकार किया और आपने मतलब कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की। नहीं पहली बात तो ये आप सबित करो कि चार करोड़ आया कहाँ से, किसने लगाया आरोप? पहले तो ये दिया करो में इस तरह से जो चर्चा चल रही है कि चार करोड़ रुपए का कोई गबन किया है या किस तरह की कोई भूमि के ऊपर गलत तरीके से, हमने अभी तक सब नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नियम के विरुद्ध नहीं किया है, सब नियम के अंदर करा है। और उस टाइम जब हमने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उस टाइम क्या कांग्रेस ज्वाइन करी थी, उन्होंने जनता के लिए कांग्रेस ज्वाइन करी थी और उन्होंने उस टाइम जो ऑर्डर निकला है वो सब गलत है। तो जनता यही तो जानना चाहती है कि आप लगातार कहते रहे हैं कि हमारे पर दबाव बनाया गया, हमें डराया गया, तो किस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया गया, क्या है वो अंदर जो कि जनता जानना चाहती है? कि नहीं, चार चार का नोटिस जो सस्पेंड किया उससे पता चल रहा है कि उन्होंने दबाव बना रखा था। अब मैं कोई सस्पेंड से नहीं डरता हूँ, ना भी डरता हूँ ना पहले डरूंगा, मैं गया था सिर्फ जनता के विकास के लिए ही गए थे सब चारों जने कि जनता का काम होगा, पर जनता का काम नहीं किया, फिर भी उन्होंने धमकी दी हमें कि आप हमारा कहना नहीं मानोगे, हम जो बोल रहे हैं वो काम नहीं करोगे तो हम आपको सस्पेंड करा देंगे। तो हमने क्या बोला कि आप सस्पेंड कराओ, हम तैयार है, सस्पेंड ही करा दो और क्या होगा, कोई वो हमारा जो खानदानी है घर है वो थोड़ी खाली करा दोगे क्या? नगर परिषद है, पांच साल रहे ना रहे, वो हमारी पर्सनल कुर्सी तो है नहीं। ये पूरा के पूरा विधायक ऊपर, विधायक मोदी के ऊपर है, विधायक मोदी के आज भी यहाँ पे इंटरफेयर है, विधायक अधिकारी कोई हमारी सभापति मोदी को ना हमारे पार्षदों की कोई बात मानते हैं, वो बात मानते सिर्फ विधायक मोदी की और उनके कुछ दलालों की, जो वो बोलते हैं वही कामयाब होता है। आप देख लो जब चार चार को सस्पेंड किया था सभापति मोदी ने, जब ऑर्डर निकला था वहां से आया था कौशल्या देवी जी का कि इनको सभापति नियुक्त किया है, उस टाइम चेंबर में कितने अधिकारी बैठे थे? आज यहाँ चेंबर में देखो कोई अधिकारी है? क्यों नहीं है? जो अधिकारी डर रहे हैं उनसे कि हम उन चेंबर में जाएंगे हमें एफपीओ का नोटिस दे देंगे, इसलिए अधिकारी अभी देख लो आपको सामने देखा कोई अधिकारी है क्या? वो इसलिए अधिकारी नहीं, डरते हैं अधिकारी। तो ऐसे हालात में अब कैसे काम होगा आगे? काम जनता जवाब देगी, काम नहीं होगा तो कौन सा काम अटकेगा? सभापति के तरफ से कोई काम नहीं अटकेगा, सभापति के तरफ लास्ट टाइम साइन होते हैं हर जगह, सभापति अगर साइन नहीं करते हैं तो आप बोलना क्या काम अटकेगा? काम वही अटकेगा जो गलत होगा,
गलत काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रतापगढ़ शहर में जो अभी कौशल्या देवी राजपूत बेटी की सभापति, तो उन्होंने जहाँ जहाँ शिलान्यास करे हैं उस शिलान्यास की कहीं भी वर्क ऑर्डर भी नहीं हुआ है, नहीं ही टेंडर हुआ है, इसकी जांच की ही जाएगी। कन्या प्रहलाद गुर्जर सभापति नगर परिषद प्रतापगढ़। भाजपा की ही रहूंगी। जब मैं सभापति बनी तब स्थानीय विधायक के दबाव के कारण नगर का विकास नहीं कर पा रही थी। जनता की विकास के कार्यों के लिए कड़वा वोट पीकर मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी, परंतु जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी करके कुछ दिन बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि सिर्फ भ्रष्टाचार करने के ही कांग्रेस जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आम जनता से उसका कोई सरोवर नहीं है। पिछले दिनों उनके गलत भ्रष्टाचार के कार्यों को करने के लिए मैंने मना करा, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना, नगर परिषद का विकास करना। यह विधायक को मेरा भ्रष्टाचार के कार्यों को करने से मना करा पसंद नहीं आया और मुझे गलत तत्वों के आधार पर मुझे निलंबित कर दिया। लेकिन आखिर में सत्य की ही जीत हुई है। आज मैंने तन मन धन से जनता की सेवा करने के लिए भाजपा के साथ रहकर कार्य करूंगी। मुझे भाजपा की रीति नीति पर पूर्ण विश्वास है। संगठन जैसा आदेश करे जनता की सेवा, यदि मैंने किसी कार्यकर्ता को ठेस पहुंचाई हो तो हृदय से गहराई से माफी चाहती हूं। जय भाजपा, विजय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।